20 साल अपना सब कुछ इंडिया के हिफाजत के लिए लगा दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ दिनों से टाइगर 3 मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल मचा कर रखे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 मूवी को रिलीज हुआ आज पूरे 14 दिन हो गया है। और बात करें ये मूवी 15वां दिन कितने ज़्यादा कमाई कर रहा और किन किन मूवी का रिकॉर्ड तोड़ रहा है, तो ये बात करेंगे। तो आप लोग से वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले बॉलीवुड के सबसे दमदार सलमान खान का मूवी टाइगर 3 मूवी, जो कि रिलीज हुआ 12 नवंबर को, यानी कि दीपावली के अवसर पर। और ये मूवी रिलीज होते पूरे बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल मचा कर रख दिया। ये मूवी मनीष शर्मा के डायरेक्शन में लगभग 300 करोड़ की भारी बजट में बना है, जिसमें टाइगर और जोया उर्फ सलमान खान, कैटरीना कैफ, इमरान हाशमी का हमें कैमियो देखने को मिलेगा, और इसमें ऋतिक रोशन और शाहरुख खान का भी हमें कैमियो देखने को मिलेगा। और इन सबों की वजह से ये मूवी सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर मूवी हो गई। सो दोस्तों, इस मूवी की बात करेंगे पहले दिन से लेके 15 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, और जानेंगे ये मूवी कितना ज़्यादा कमाई किया और ये मूवी क्या 1000 करोड़ क्लब में शामिल हो सकेगी या नहीं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, सारी बातें आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। तो बात करते हैं इस मूवी के पहले दिन की कमाई और दूसरे दिन कमाई की। तो ये मूवी 8900 पर रिलीज किया गया था, और ये मूवी इतने अच्छी खासी स्क्रीनों पे होने की वजह से ये मूवी पहला दिन अच्छा खासा इनकम को जनरेट करते हुए बॉक्स ऑफिस पे कमाल और धमाल मचाते हुए पहला दिन 43 करोड़ हिंदी से। और साथ ही में बात करेंगे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में, तो ये मूवी पहला दिन वर्ल्ड वाइड से 94 करोड़ ज्यादा कमाई कर लिया था। और दूसरे दिन और तीसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन ये मूवी 61 करोड़ कमाई किया था हिंदी से, और पूरे वर्ल्ड वाइड से 113 करोड़ कमाई कर लिया था तीसरे दिन। और चौथे दिन की बात करें तो ये मूवी तीसरा दिन 42 करोड़ इंडिया से, और पूरे वर्ल्ड वाइड से 81 करोड़ की कमाई कर लिया था। चौथा दिन की बात करते हैं, ये मूवी चौथा दिन 37 करोड़ इंडिया से, और पूरे वर्ल्ड वाइड से 75 करोड़ कमाई कर लिया था। पांचवा दिन की बात करिए, मूवी पांचवा दिन इंडिया से लगभग 21 करोड़ कमाई कर लिया था, और पूरे वर्ल्ड वाइड से 39 करोड़ की कमाई कर लिया था। छठा दिन से और सातवां दिन की बात करेंगे तो छठा दिन ये मूवी 220 करोड़ 10 लाख कमाई किया था इंडिया से, और पूरे वर्ल्ड वाइड से 39 करोड़ कमाई किया था। और सातवां दिन यानी कि इस मूवी के पहले सप्ताह की बात करें तो ये मूवी पहला सप्ताह ये मूवी लास्ट दिन मतलब कि सातवां दिन ये मूवी 16 करोड़ कमाई करते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाल और धमाल मचाते हुए एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हुए ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर 16 करोड़ कमाई किया था, और पूरे वर्ल्ड वाइड पर यह 40 करोड़ की कमाई करके फैंस के दिलों में जगह बना लिया था। ऐसा कि फैंस लोग एक साल से इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और एक साल के बाद टाइगर 3 मूवी आया और फैंस लोग काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे इस मूवी को देखने के लिए। और यह मूवी पहला सप्ताह इंडिया से 218 करोड़ कमाई कर लिया था, और पूरे वर्ल्ड वाइड से 425 करोड़ ज़्यादा कमाई कर लिया था। इसी तरह से यह मूवी दूसरे सप्ताह भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कमाल और धमाल मचाते हुए बॉक्स ऑफिस पर एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हुए मूवी 9वां दिन लगभग 9 करोड़ 50 लाख से भी ज्यादा कमाई कर लिया था, और एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करने लगा था, और बॉक्स ऑफिस पर दिन ब दिन एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा था। बात करें मूवी 14 दिन और 15वां दिन की बात, तो यह मूवी 14 दिन में लगभग 6 करोड़ कमाई कर रहा था इंडिया से, और पूरे वर्ल्ड वाइड से 8 करोड़ 20 लाख की कमाई कर रहा था, और एक नया रिकॉर्ड को क्रिएट करा, और फैंस के दिलों में जगह बनाते हुए बहुत सारे मूवी का बायकॉट करते हुए आगे की ओर निकल रहे थे। बात करें मूवी 15वां दिन यानी कि आज की, तो आज भी यह मॉर्निंग के शो में ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ के थोड़ा उछाल नजर आया, क्योंकि आज है सैटरडे और हर मूवी का सैटरडे में मूवी का क्रेज थोड़ा अप होता है, ऊपर होता है, क्योंकि आज है हाफ नन हॉलीडे और हर मूवी का सैटरडे और संडे में कमाई बढ़ जाता है। तो इस मूवी का भी आज थोड़ा बहुत कमाई में ग्रोथ देखने को मिला है, और यह मूवी 15वां दिन मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी में 9 करोड़ 20 लाख की कमाई किया इंडिया से, और पूरे वर्ल्ड वाइड से 17 करोड़ ज़्यादा कमाई कर लिया था। लेकिन शाम के ऑक्यूपेंसी में यह मूवी का थोड़ा ऑक्यूपेंसी रेट बढ़ सकता है, और ये मूवी लगभग शाम के उम्र लगभग 15 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगा इंडिया से, और वर्ल्ड वाइड से 25 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर सकता है। तो आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब लोग कमेंट करके जरूर बताइए किनके फैन है, सलमान खान के, शाहरुख खान के, या ऋतिक रोशन के, या इमरान हाशमी के, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो साथ, तब तक के लिए।